केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हिमाचल के दौरे पर हैं, जहां वो रामपुर पहुंची। स्मृति ईरानी रामपुर में बीजेपी की चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाई। वहीं इसके बाद वो नारी नमन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि भी साथ रही। वहीं उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के द्वारा ड्रग फार्मा की मंजूरी देने पर बात की, साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। इस दौरान क्या कुछ कहा उनकी ओर से, आइए आपको सुनाते हैं। और साथ ही साथ नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही है, और पूना में 1200 करोड़ की लागत से पल्स ड्रग फार्मा पार्क की भी व्यवस्था अगर कोई कर पा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर पा रही है। क्या राजाओं का कोई काम है? है तो अगर प्रजा ही ताकत है तो अमेठी में इतिहास को बदला रामपुर में भी बदल जाएगा। इस बार रामपुर भी कमल का फूल खिलाएगा। मुख्यमंत्री के दावेदार कई हैं, जिसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि आज एक दिशाहीन कांग्रेस पार्टी पार्टी के किसी काम की नहीं। इसलिए बहनों आपसे कहने आई हूँ, जो कांग्रेस खुद स्वीकार करती है वो दिशाहीन है, वो हिमाचल प्रदेश को कैसे नई दिशा की ओर ले जाएगी। इसीलिए इस बार जब चुनाव की बारी आएगी, ये मातृशक्ति एक बार फिर इस देवभूमि वीरभूमि पर कमल का फूल खिलाएगी। आज ये विश्वास व्यक्त करने आई है। सवालों की इतनी झड़ी को उनके सम्मुख प्रस्तुत करना है तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि उनका नेता कौन है। हम उनसे सवाल करें, इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे सवाल कर रहे हैं, बाकी झगड़े कंडे छोड़ो, ये बताओ नेता कौन है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो अपना अध्यक्ष अब तक तय नहीं कर पाई, जो अपनी पार्टी को कैसे चलाना है वो तय नहीं कर पाए, वो देश और प्रदेश के अखाक चलाएंगे। इसीलिए हिमाचल के नागरिक चुनाव में बाहर आएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और रिवर्स बदल करने कर दिखाया। लेकिन वर्षों वर्ष तक जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरना कांग्रेस का एक संस्कार सा बन गया है। वर्षों वर्ष तक जनता को विकास से वंचित रखना यह कांग्रेस का आधार सा बन चुका है। आज इस मंच से जब हम गौरव गान करते हैं हिंदुस्तान का, भारत के नव निर्माण का, तो उस नव निर्मित भारत में उल्लेख होता है अटल टनल का। आज मैं पूछना चाहती हूँ क्षेत्र की जनता को, वर्षों वर्ष पीडब्ल्यूडी के डिवीजन से आपने दूर रखा, तुम तहसील बनाने से इनकार किया, अटल टनल उसको भी पूर्ण ना करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया, ये हिमाचल प्रदेश की सच्चाई है।